हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा क्षेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूके गार्डनर व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, इन खूबसूरत से वाइट कलर के कनेर के फूलों के साथ मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए जो गार्डनिंग करते हैं। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। तो यहाँ पर तो मेरी कैट लियो थी मेरे साथ मेरे किचन गार्डन में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से सबसे पहले तो मैं आपके लिए कुछ हार्वेस्टिंग भी लेकर आई हूँ आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई भी हार्वेस्टिंग आपको दिखाई नहीं थी, शेयर नहीं की थी आप लोगों के साथ। भले ही मैं जो भी थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग होती थी मैं कर लेती थी, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। तो आज मैं आपको दिखा दूँ कि काफ़ी सारे अच्छे बैंगन मेरे किचन गार्डन में लगे हुए हैं। जो बैंगन के प्लांट्स हैं वो काफ़ी हेल्दी है और उनमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है नए नए फ्रूटिंग के लिए। तो काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग भी आने वाले टाइम में मुझे मिल जाएगी। तो आज मैंने बहुत सारे बैंगन तोड़े हैं। तो फ्रेंड्स, साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूं, ताकि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जो छोटी छोटी सीडलिंग्स मैंने अपने पॉट्स में लगाई थी फ्लावर्स की, जो पिछले साल के जो सीड्स मैंने कलेक्ट करके रखे थे उनकी जो सीडलिंग्स मैंने लगाई थी, अब उन वो जो है सीडलिंग्स थोड़ी बड़ी हो गई हैं। तो अब इस स्टेज में उनका क्या करना है वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ, किस तरीके से उनको आपको लगाना है, तो वही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की होने वाली है, तो प्लीज़ ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। तो देखिए, मेरे काफ़ी सारे बैंगन यहाँ पर हार्वेस्ट हो गए हैं। तो हरे बैंगन भी लगे हुए हैं, मैंने तीन तरीके के बैंगन लगाए हुए हैं, हरे लंबे वाले और गोल वाले बैंगनी और गोल वाले लंबे वाले बैंगनी। तो काफ़ी सारे जो बैंगन के पौधे हैं वो मेरे जो है रेनी सीज़न में पानी भरने की वजह से ख़राब भी हो चुके हैं, लेकिन मैंने काफ़ी सारे बैंगन के पौधे लगाए थे। तो मेरे अभी भी बहुत सारे बैंगन के पौधे अभी भी लगे हुए हैं। तो आप नए पौधे भी अभी लगा सकते हैं मार्केट में, आपको बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, इन सब की सीडलिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो अभी भी आप इनको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि काफ़ी अच्छे बैंगन मेरे हार्वेस्ट हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेन वीडियो है, मेन टॉपिक है, उसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कैलेंड्यूला के सीड्स लगाए थे। तो देखिए, काफ़ी अच्छे अब इनकी ग्रोथ हो चुकी है। तो अब उनको शिफ्ट करने का टाइम आ चुका है, तो बहुत ही सावधानी से आपको इनको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक फोक की मदद से इनको निकाल रही हूँ। तो हमें इनकी रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए कांटे वाली जो चम्मच होती है उसका यूज़ किया है, और उसकी मदद से मैं अच्छे से देखिए इसके जो सीडलिंग्स हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। तो रूट्स को बिना डैमेज किए हमें इन सीडलिंग्स को निकालना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर कुछ सीडलिंग्स निकाल ली हैं, और अब मैं इनको किस तरीके से मैं लगाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, मेरी सारी तैयारी हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन गार्डन में। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने इस तरीके के जो पॉली बैग्स होते हैं, नर्सरी बैग्स होते हैं, उनको भर कर रख लिया है मिट्टी से। इसमें मैंने गार्डन की सॉइल और इसमें गोबर की खाद को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर मैंने इन सारे बैग्स को भर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे बैग भी मेरे ख़रीदे हुए नहीं हैं, परचेज किए हुए नहीं हैं, ये सब फ्री के हैं। जो भी मैं जैसे नए पौधे लेकर आती हूँ तो जो बैग होते हैं उनको मैं बिना ख़राब किए पौधे निकाल लेती हूँ और इनको मैं संभाल कर रख लेती हूँ। तो देखिए, उन्हीं सबको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास जो भी डिस्पोजल कप हों या फिर कोई भी छोटे छोटे डब्बे हों उनमें आप लगा सकते हैं, और या फिर जैसे कुछ सामान वामान आता है, छोटे छोटे पॉली बैग्स होते हैं उनमें भी आप छेद करके मिट्टी भर के इनको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इनकी रूट्स को बिना डैमेज किए इस तरीके से छोटा सा होल करके इनको आराम से हमें लगाना है, ताकि इनकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो, क्योंकि ये अभी बहुत छोटी छोटी सीडलिंग्स हैं।
तो देखिए जब तक हमारा पौधा एक बैग में हमें एक ही सीडलिंग लगानी है, क्योंकि एक बैग में अगर हम दो पौधे लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक बैग में एक ही सीडलिंग्स लगाई हैं और इस तरीके से, तो जब तक ये बड़े होंगे तो इसी बैग में ये बड़े होते रहेंगे, आसानी से बड़े हो जाएंगे फ्लावरिंग तक। और उसके बाद जैसे जैसे हमारे पॉट्स खाली होते हैं तो उनमें हम इनको लगा सकते हैं। तो पॉट्स के लिए भी काफ़ी सारे हमारे फ्री के ऑप्शन हो जाते हैं, जो भी खाली डब्बे वगैरह जैसे 5 kg के फिनाइल के या फिर ऑयल कैन के डब्बे होते हैं 5 kg के, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं इन पौधों को लगाने के लिए। तो आपको पॉट्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास मतलब जगह है कम है, कम ही पौधे लगाने हैं, तो आप पॉट्स भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जगह है और आपका बजट ख़राब हो रहा है तो आप वेस्ट DIY डब्बों को भी यूज़ कर सकते हैं पॉट्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें मैं 3 लगा रही हूँ पौधे, क्योंकि कुछ पौधे मुझे लग रहे हैं शायद वो ना भी हों, क्योंकि उनकी थोड़ी सी रूट जो है मुझे कंडीशन मतलब सही नहीं लग रही थी। तो जो भी एक हेल्दी पौधा होगा मैं उसको रखूँगी, दूसरे बाकी 2 को मैं निकाल दूँगी। तो देखिए अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, पानी भी हमें बहुत आराम से डालना है ताकि हमारा जो पौधा है वो इधर उधर ना गिरे, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं उसको हमें मिट्टी के अंदर ही रखना है। अगर वो रूट्स बाहर आ जाएंगी तो हमारा पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा हमने इसमें अच्छे से पानी डाल देना है और इसको कुछ दिनों तक हमें शेडी एरिया में हम इसको रख देंगे, ताकि जो मतलब ये थोड़ा सा सेट हो जाए हमारा प्लांट। तो जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ये अपने आप ही मतलब हमें लगेगा कि जैसे ये सेट हो चुका है। तो मैं आगे आपको 2 दिन बाद का भी क्लिप दिखाऊंगी कि 2 दिन बाद इनकी क्या कंडीशन है। तो मैंने देखिए ये शाम के टाइम में इनको लगाया था, तो आप या तो शाम का समय चूज़ कीजिएगा लगाने के लिए, या फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का ठंडे ठंडे में आप इनको लगा के कुछ देर मतलब फिर उसके बाद इन्हें शेडी एरिया में रख दीजिएगा, क्योंकि अगर तेज़ धूप में आप इन्हें लगाएंगे तो ये जो है हमारे पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। तो देखिए ये 4-5 दिन पहले मैंने लगाए थे ये 2 पौधे, और तो क्या कहते हैं ये अच्छे से मेरे सेट हो चुके हैं। और एक ये पौधा मैंने लगाया था, तो ये तो 3-4 दिन इससे जो मैंने इनको लगाया है उससे 3-4 दिन पहले ही मैंने इनको लगाया था। और ये देखिए ये अभी वाले हैं, तो इनको मैंने शेडी एरिया में रख दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो गार्डनिंग से रिलेटेड हैं, उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो यहाँ पर देखिए ये 2-3 दिन बाद का क्लिप है, तो मेरे पौधे जो है अब सेट हो चुके हैं। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।